नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्टफुल ट्रेवलर्स में, जो अब बन चुका है यात्रा टीवी हिंदी। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो आपकी ट्रेवलिंग से जुड़ी होती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो इस बात से ज़रूर इत्तेफाक रखते होंगे कि सफ़र को सेफ रखने की जितनी भी कोशिश की जाए, हादसों को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता। इसलिए ज़रूरी है कि हम न सिर्फ खुद को सुरक्षित रखें बल्कि जानकार भी बने। सफ़र के दौरान किसी भी अनचाही घटना के समय थोड़ा परेशान होना आम बात है, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लेते हैं और थोड़ी जानकारी रखते हैं तो ये परेशानी ज़्यादा देर तक नहीं रहती और आप इसे ज़िंदगी का एक हिस्सा मान लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर सफ़र के दौरान बदकिस्मती से आपकी गाड़ी किसी छोटे मोटे एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस पर बनाया है। कुछ दिन पहले हमारी गाड़ी का भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद हमें इंश्योरेंस क्लेम से जुड़ी कई बातों का पता चला। इससे जुड़े कुछ वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हमारी गाड़ी पहले की तरह एकदम ठीक होकर घर आ चुकी है और इसे ठीक कराने में सिर्फ 1000 रुपये का खर्च आया है, जबकि गाड़ी को नुकसान 22000 रुपये से ज़्यादा का हुआ था। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं उन बातों को जिनकी जानकारी ऐसी अनचाही घटना में बहुत काम आएगी और इंश्योरेंस का क्लेम लेने में आसानी होगी। नंबर 1, इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर सड़क पर चलते समय किसी कारणवश आपकी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचे तो इसकी सूचना आप इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत दे दें। ज़्यादातर कंपनियों के टोल फ्री नंबर होते हैं जहां आप गाड़ी के एक्सीडेंट की सूचना दे सकते हैं। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि गाड़ी के एक्सीडेंट की सूचना सर्विस सेंटर पर देकर ये सोचते हैं कि उनका काम हो गया, लेकिन ये बात याद रखिए कि गाड़ी को हुए नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है, ना कि गाड़ी बनाने वाली कंपनी। अगर आप एक्सीडेंट के 24 घंटे के भीतर इसकी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देते हैं तो क्लेम मिलने में दिक्कत आ सकती है। भले ही आप गाड़ी को ठीक कराने के लिए थोड़ा समय ले लें, लेकिन सूचना आपको 24 घंटे के भीतर ही दे देनी चाहिए। नंबर 2, गाड़ी को सर्विस स्टेशन तक पहुंचाएं। इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करने के बाद अगला कदम है गाड़ी को सर्विस स्टेशन तक पहुंचाना। अगर गाड़ी चलने की हालत में नहीं है तो उसे टो करा के सर्विस स्टेशन पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत से लोग गाड़ी को ज़बरदस्ती चलाकर ले जाना चाहते हैं, जिससे गाड़ी का नुकसान और बढ़ जाता है और इंश्योरेंस कंपनी इसे बियर करने के लिए तैयार नहीं होती। दोस्तों, अगर टो करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करके नज़दीक के किसी मैकेनिक से गाड़ी को चलने लायक हालत में बना लीजिए, उसके बाद सर्विस स्टेशन ले जाइए। ऐसा करते समय ध्यान रखिए कि लोकल मैकेनिक का बिल ज़रूर रख लीजिए, ताकि उसकी भरपाई भी बीमा कंपनी से कराई जा सके। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आप गाड़ी के ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन के ज़रिए क्लेम हासिल करें। अगर आप बाहर कहीं ऐसी जगह गाड़ी ठीक कराते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क से बाहर है, तो आपको कैशलेस क्लेम की सुविधा नहीं मिलेगी, यानी आपको गाड़ी ठीक कराने के बाद क्लेम करना होगा। नंबर 3, गाड़ी से जुड़े कागजात साथ रखिए। दोस्तों, सर्विस स्टेशन जाते समय अपनी गाड़ी से जुड़े डॉक्यूमेंट साथ में रखिए। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन यानी RC की ओरिजिनल कॉपी, गाड़ी के इंश्योरेंस की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार कार्ड ज़रूरी हैं। अगर गाड़ी के एक्सीडेंट के समय गाड़ी कोई और चला रहा था तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। याद रखिए कि गाड़ी का क्लेम तभी प्रोसेस हो पाएगा जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों और वैध हों। उदाहरण के तौर पर, अगर गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस नहीं है, या 4-व्हीलर का लाइसेंस नहीं है, या लाइसेंस जब्त हुआ पड़ा है, तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो पाएगा। नंबर 4, इंश्योरेंस कंपनी का सर्वे।
सर्विस सेंटर में गाड़ी खड़ी करने के बाद आप घर जा सकते हैं। इसके बाद सर्विस सेंटर से इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दी जाती है कि गाड़ी क्लेम में आ चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर सर्विस सेंटर पर आकर गाड़ी का मुआयना करता है और नुकसान का असेसमेंट करता है। इसके बाद यह तय होता है कि गाड़ी का कौन सा पार्ट रिपेयर होगा और कौन सा बदला जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर्वे करने वाला ठीक से नुकसान का असेसमेंट नहीं कर रहा है या पूरी तरह टूट चुके पार्ट्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है तो आप उससे बात कर सकते हैं। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से गाड़ी के रिपेयर और पार्ट्स के रिप्लेसमेंट का अप्रूवल दे देगी। यहां से गाड़ी के ठीक कराने का काम शुरू हो जाएगा। गाड़ी के नुकसान का कितना क्लेम मिलेगा? दोस्तों, गाड़ी को हुए नुकसान का कितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी ये कई बातों से तय होता है। सबसे पहली बात कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस किस तरह का है। जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस खरीदते या रेन्यू कराते हैं तो आपको कई सारे एडऑन्स के ऑप्शंस मिलते हैं। जितने ज़्यादा एडऑन्स आप खरीदते हैं उतने ही ज़्यादा रिस्क कवर होते जाते हैं और उसी हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी महंगी होती जाती है। जैसे अगर गाड़ी का ज़ीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस है तो उन पार्ट्स का पूरा क्लेम किया जा सकता है जो एक्सीडेंट के बाद बदले जाने हैं, जबकि बेसिक इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। आपकी गाड़ी जितनी पुरानी है उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट आपको पे करना होगा। इसी तरह थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में गाड़ी का नुकसान कवर नहीं होता, बल्कि गाड़ी की वजह से किसी और को हुए नुकसान कवर किए जाते हैं। नंबर 6, गाड़ी ठीक कराने का खर्च और समय। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि मेरी गाड़ी पर कुल 22,000 रुपये का खर्च आया जिसे इंश्योरेंस कंपनी ने बेयर किया, तो मुझे 1,000 रुपये क्यों देने पड़े? दोस्तों, ये फाइलिंग चार्ज होता है जिसे हर कस्टमर को एक प्रोसेसिंग फी के तौर पर देना होता है। अगर आपकी गाड़ी 1500 सीसी से कम है तो फाइलिंग चार्ज 1,000 रुपये होता है और 1500 सीसी से ज़्यादा होने पर फाइलिंग चार्ज 2,000 रुपये होता है। ये पैसे आपको गाड़ी ठीक कराने के बाद जमा करने होते हैं। गाड़ी सर्विस सेंटर पर ले जाने से लेकर इसे ठीक होने तक की प्रक्रिया के पूरा होने में आमतौर पर 7 से 10 दिन का समय लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक जानकारियाँ जो गाड़ी के छोटे मोटे एक्सीडेंट के समय आपको पैनिक होने से बचा सकती हैं और आप इंश्योरेंस क्लेम करने के प्रोसेस को आसानी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम तो यही चाहेंगे कि आपको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े और आप ज़िंदगी के सफ़र पर हमेशा सेफ चलते रहें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, देखते रहिए यात्रा टीवी हिंदी, जहां आपको मिलेंगी सफ़र और सफ़र से जुड़ी ढेरों जानकारियां। शुक्रिया। गुड बाय।